क्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन पीरियड ऑफ हॉस्लेशन ऑफ मास एम सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग इज टू सेकेंड देन द पीरियड ऑफ मास फोर एम विल बी तो अगेन सिंपल सवाल है अगर अपने हमने क्या किया हुआ है कि एक स्प्रिंग लेके उस स्प्रिंग पे हमने एक मास के uh, उसका कांस्टेंट है मास एम कॉन्स्टेंट मासबेड किया हुआ है तो टू जिसको हम कहते हैं एम बाई के उसकी वैल्यू टू सेकेंड्स है अब हमसे सवाल ये पूछा गया है कि अगर मान लीजिए हमारी एक और स्प्रिंग है उस स्प्रिंग के ऊपर हमने 4m मास कर दिया है तो इसका टाइम t2 कितना होएगा अगेन सिंपल है टाइम जो है आपका 4m के अंडर रूट के प्रोपोर्शनल हो जाएगा सो दिस विल बी टू पाई अंडर रूट फोर एम डिवाइडेड बाय के मास को हमने फोर से रिप्लेस कर दिया है यहाँ पर सो तो ये हो जाएगा टू पाई मल्टीप्लाइड बाई एम बाय के ये तो सेम वैल्यू रही मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट ऑफ फोर सो so, इसको हम टू सेकेंड लिख सकते हैं बिकॉज ये हमें गिवन है कि दो सेकेंड है सो so, इसकी वैल्यू हो जाएगी टी टू आपका हो जाएगा टू मल्टीप्लाइड अंडर रूट फोर आपका टू हो गया यानी कि फोर सेकेंड सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी फोर सेकेंड वुड बी द राइट आंसर